गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सिक्स नदुला बुक है आपकी। और इसके अंतर्गत अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उठो दरा के अमर सफर। इसके अंदर इसके लेखक हैं कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। आज के युवाओं को नित नए आविष्कारों और निर्माणों के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो लेखक हैं जो क्या कर रहे हैं, नए नए युवा जो बालक जो बच्चे होते हैं वह जब युवा हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो उन युवा पीढ़ी के लोगों को क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हे मेरे धरती के वीरों, उठो और नई उमंग और उत्साह के साथ इस दरा के हर कोने को जगमग करो। हे धरती माता के वीरों, हे भारत भूमि के वीरों, युवावर्ग आप उठें और नई उमंग और उत्साह के साथ इस दरा के यानी इस भारत भूमि के हर कोने को अपने ज्ञान से, अपने कार्यों के अच्छे कार्यों से, अपनी योग्यता से या अपने अच्छे अच्छे श्रेष्ठ कार्यों की क्षमता से प्रकाशमान करें। पक्षियों की चहचहाट और वीणा के राग सब में नव जीवन का संचार। पक्षियों में जो सुबह सुबह कलर होता है, चहचहाट होती है और नवीन ज्ञान रूपी वीणा का जो स्वर है उससे हमारे जीवन में क्या करें, नई जीवन में नया संचार करें। और जो ये सारे जो कार्य हैं वह सब नई पीढ़ी को ही करने हैं, बाकी सब तो जो बुजुर्ग पीढ़ी है उन्होंने अपने 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 तरीके से उन्होंने अपने कार्य कर लिया है। अब सारे कार्य क्या करने हैं, नई पीढ़ी को करने हैं, क्योंकि ये पीढ़ी ही शिक्षा की पुजारी है। जो नई युवा पीढ़ी वही क्या कर रही है, शिक्षा को ग्रहण कर रही है। शिक्षा के माध्यम से वह लोगों को क्या कर सकती है, नई चेतना का संचार कर सकती है। उठो दरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे भारत माता के वीरों, सपूतों, बेटों, आपको क्या करना है, पुनः भारत का एक नया निर्माण करना है, नए सोच से, नए दृष्टिकोण से, नए उमंग के साथ। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। लोगों के जीवन के अंदर फिर से एक जो लोगों के अंदर आलस्यता आ गई है, उदासी आ गई है, निराशा आ गई है, उन सभी लोगों के जीवन के अंदर फिर से एक नई स्फूर्ति, नया जोश और नया जीवन प्राण, नव प्राण होता है, नया जीवन भर दो। नया प्रातः है, नई बात है कि रात्रि के बाद जब नया प्रातः होता है तो सूर्य उदय होता है, उसकी किरणें, उसका प्रकाश अंधकार मतलब अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करके या आलस्य रूपी अंधकार को समाप्त करके सूर्य नई प्रातः के नई सुबह के साथ उदय होता है। और हम सब सूर्य और सूर्योदय के साथ ही नए नए कार्य, नई नई बातें सोचना और करना शुरू कर देते हैं। नई किरण है, सूर्य की किरण कैसी होती है, हर दिन नई होती है, उसके अंदर ज्योति प्रकाश भी नया होता है जो हमारे अंदर नई ऊर्जा को जागृत करता है। नई उमंग, नई तरंग, हमारे अंदर नई नई उमंगें हैं और नए नए तरंग यानी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह, जोश, उमंगें होती हैं। नई आस से सांस नहीं, हमारे अंदर नव जीवन, नया प्राण है और हमारे अंदर कुछ करने की जो आशा है, उम्मीद है, हम बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, हम कुछ नया कर सकते हैं। ये हमारी जो आस है वही हमारे जीवन का प्राण है। युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो कि युगों युगों से हमारे जो सुमन है, हमारे अंदर जो आलस्य आ गया है, जो हमारे अंदर क्या हो गया था, आलस्य है, उत्साह की कमी हो गई है, नई सोच की कमी हो गई है, तो इस प्रकार के जो सुमन है उन सभी जो मुरझाए हुए आलस्य युक्त या अपन कह सकते हैं कि जो युगों युगों से मुरझाए हुए सुमन है उनके अंदर नई मुस्कान भरनी है। उसी प्रकार हमारे अंदर जीवन में जो आलस्य आ गया है, उत्साह की कमी आ गई है, नई उमंग नहीं है, हम कैसे हो गए, निराशावादी हो गए हैं, तो इन सभी जो मुरझाए हुए फूल हैं उन सभी में हमें क्या करना है, नए जीवन का संचार करना है, फिर से हमें नई उमंग और नए जोश के साथ कार्य करने के लिए तत्पर होना है। उठो दरा के अमर सपूतों, हे भारत माता के सपूतों, आपको जगना है और नए नए अच्छे अच्छे कार्य करके भारत का पुनः निर्माण करना है। आपको होमवर्क के अंदर क्या करना है, शब्दार्थ करने हैं, ये जितने भी शब्दार्थ दिए गए हैं वो आपको होमवर्क के अंदर करने हैं। आप क्या करेंगे, पहले आप 16 जून 2021 यहाँ पे लिखेंगे गृह कार्य,
पार्ट का नाम शब्दार्थ और इसको शब्दार्थ वन बीच में डैश लाइन आपको जैसे पूरे में मैंने शब्दार्थ करना, अगर यहाँ पे खत्म हो जाते हैं तो आपको नया पेपर उसके पीछे वापस ऐसा पेपर होता है उसके अंदर वापस 13, 14, 15 ऐसे पूरा आपको क्या करना है शब्दार्थ करना है। इसके जो आगे का भाग है अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे।